नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SS Auto Care। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो बाइक है, जिसका बीमारी ये है कि ये रिजर्व में चलते चलते जब स्पीड पकड़ाते हैं तो ये लगता है झटका मारने, वैसे लगता है कि जैसे तेल इसको पेट्रोल नहीं मिल रहा हो। तो इसका क्या कारण है, मैं आज को आपको बताऊंगा। इस तरह के कारण में लोग ये करते हैं कि कार्बोरेटर का लगते हैं माइलेज सेटिंग करने। तो दोस्तों, इसकी ये बीमारी नहीं है कि हम माइलेज सेट करके इसको ठीक कर लें। इसको माइलेज सेट करने से ये ठीक नहीं होगा। ये यहाँ तक कि ये तेल इसको कम मिलता है तभी ये झटका मारता है, या हम फुल रेस करते हैं तो कभी तेज कभी स्लो इसका एक्सेलेरेटर ऑटोमेटिक होता है। इस सब का कारण दूसरा कुछ है, ये कार्बोरेटर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कार्बोरेटर का निपल अगर जाम हो तो ये कारण हो सकता है, लेकिन ये कार्बोरेटर का निपल जाम नहीं है, ये बिल्कुल सही है कार्बोरेटर। तो इसका और क्या कारण है मैं इसमें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और तो चलिए दोस्तों, आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ इसमें क्या हुआ है। आप देख सकते हैं, ये है पेट्रोल भाल जिसमें फिल्टर भी लगा होता है फिल्टर, तो ये जिसमें पेट्रोल छानकर और कार्बोरेटर में जाता है। तो आज हम इसे भाल को खोलकर देखेंगे क्या इसमें फिल्टर जाम है या नहीं जाम है। तो इसको हम खोलकर आज देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो YouTube पे आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो इस टंकी का हम तेल ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल ही ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद इस भाल को खोलकर देखते हैं कि फिल्टर जाम है या नहीं। अगर फिल्टर जाम होगा तब भी तेल कम जाएगा, जिसके कारण से अनेक बीमारियां ये गाड़ी में पैदा कर सकती है। तो आपको हम मैं दिखाता हूं कि सचमुच कैसे जांच करते हैं कि फिल्टर इसमें जाम है या नहीं। आप देख सकते हैं, ये भाल है और इस भाल को हम फिल्टर भाल के अंदर होता है और एक फिल्टर टंकी के अंदर होता है। तो दोनों भाल को हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल है, तो हम इसको फूल में करके देखेंगे कि पेट्रोल कितना निकल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तेज़ी से पेट्रोल ये निकल रहा है। ये फूल में करने के बाद ये तेज़ी से निकलता है। अब हम इसको रिजर्व में करेंगे, तो ये नीचे करेंगे तो हम ये रिजर्व में हो गया। अब देखते हैं कितना तेल निकल रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्लो हो गया है तेल। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रिजर्व वाला फिल्टर है वो जाम हो चुका है। तो इसको हम रिजर्व में तेल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट खोलकर ही निकालना पड़ रहा है। रिजर्व से तेल बहुत ही देरी लग रहा है निकलने में, तो इसको ऐसे खोलकर इसके अंदर एक लंबा पाइप होता है जिसको अन्न से तेल निकालता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फिल्टर है, इसमें लंबा फिल्टर होता है फूल और रिजर्व दोनों का। तो आप सीधा सीधा आप देख रहे होंगे ये फिल्टर, आप देख सकते हैं कितना लंबा फिल्टर है। तो इस फिल्टर यही फिल्टर आपको दिखाई दे रहा है कि जाम हो चुका है। यहाँ से ऊपर ये अन्न का फिल्टर है, तो ये फिल्टर साफ़ है, और यहाँ से नीचे ये जो रिजर्व का फिल्टर है ये बिल्कुल ही गंदा हो चुका है, जाम हो चुका है, जिसके कारण से रिजर्व में जब बाइक को रेस देते थे तो ये झटका मारता था, यानी कि तेल कम मिलता था इसको। तो इस फिल्टर को हम, आप देख सकते हैं इसके भाल के अंदर भी एक फिल्टर होता है। इस ढक्कन को हम खोलेंगे, खोलकर आपको दिखाते हैं भाल फिल्टर कहाँ होता है। और ये देख सकते हैं ये फिल्टर है चौड़े सा, तो ये फिल्टर साफ़ है, काफ़ी गंदा नहीं है। तो इस फिल्टर को हम इसी तरह छोड़ देंगे। हम नया फिल्टर लेकर आए हैं, ये जो नया भाल है, फिल्टर बिल्कुल भाल के साथ ही मिलता है, ये अलग से फिल्टर नहीं मिलता है। तो ये फिल्टर, ये भाल 100 रुपये का पड़ा है, बाज़ार से मिल जाएगा दुकान से। तो ये फिल्टर के साथ ही मिलता है, फिल्टर अलग से नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं ये फिल्टर बिल्कुल साफ़ है। अब इसको लगा देने से ये बाइक की जो भी बीमारी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, और कुछ एवरेज भी बढ़ जाएगा और बाइक का पिकअप भी बढ़ जाएगा। इसका यही कारण था। तो ऐसा वीडियो आपको YouTube में बहुत ही कम मिलेंगे देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। हमने यहाँ से भाल खोला था तो इसको सीधा सा है, इसके अंदर फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगाकर इसके फिल्टर के जस्ट नीचे एक ओरिंग भी लगा होता है जिससे पेट्रोल बाहर नहीं निकलता है, ये नट के बीच में। तो इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे, ओरिंग इसके अंदर है, इसको सीधा करके टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह टाइट कर लेंगे, और YouTube पर ये पहला वीडियो होगा जो इस बारे में मैं आपको वीडियो ये दिखा रहा हूँ बनाकर। मैं सोचा वीडियो ये बनाकर दिखाना ज़रूरी है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो बाकी लोग लगते हैं कार्बोरेटर में छेड़छाड़ करने। तो दोस्तों कार्बोरेटर में कुछ नहीं हुआ है, ये बीमारी था यहाँ फिल्टर का जिससे तेल छन कर कार्बोरेटर में पूरा नहीं जा रहा था, जिसके कारण से झटका की बीमारी हो गई थी। इस बाइक के यहाँ पे हम कार्बोरेटर से जो पाइप आता है उसको हम पाइप लगा लेंगे, और इस तरह हम ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक पे लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।